बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। कीप फॉलोइंग SOPs एंड लर्न एट योर होम सो दैट योर एजुकेशन डज नॉट सफ़र। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में आपने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था कि वो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स। There are three different types of computer networks on the basis of geographic distance. Geographic distance के basis पे computer networks को three types में divide किया जाता है, जिनमें LAN, local area network, MAN, metropolitan area network and WAN, wide area network आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is local area network। local का मतलब है ऐसा नेटवर्क जो कि एक स्मॉल एरिया के लिए ही है, जो ऐसा नेटवर्क जो कि एक स्मॉल एरिया तक होता है और उससे बाहर उसकी एक्सेस नहीं होती है। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया, जनरली लिमिटेड टू अ ज्योग्राफिक एरिया सच एज बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग। लोकल एरिया नेटवर्क मोस्टली किसी एक बिल्डिंग में या अगर एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग है तो वहाँ तक ही महदूद होता है, इससे ज़्यादा बाहर लोकल एरिया नेटवर्क की एक्सेस नहीं होती है। आजकल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है वो लैन ही होता है और जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली लैंस यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क था, जहाँ पर आपको फिगर बनाकर भी दिखाया गया है कि एक मेन स्विच है, ठीक है, और उसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं और एक ही फाइल सर्वर है और ये जो लैन है वो एक ही एरिया के अंदर कन्फाइंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ लैन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आप पेरिफेरल डिवाइसेस, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें USBs आ जाती हैं, CD-ROMs आ जाते हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, वो आपस में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नेटवर्क होता है ये एक ही बिल्डिंग में होता है तो आप इनकी पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वर्क को सेंट्रली एक ही जगह पर सेव कर सकते हैं, सारा डाटा आपका एक ही जगह पर मौजूद होता है। आप लैन के थ्रू इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने डाटा को इजीली जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एप्लीकेशन पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स इन द सर्वर कंप्यूटर्स कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क में जो एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं, वर्ड हो गया, MS Excel हो गया, उन सबको सारे यूज़र जो हैं वो कॉमनली शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं कि इसकी जो सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से, ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो सके और कोई दूसरा इंसान जिसको हम अपना डाटा नहीं दिखाना चाहते वो हमारे डाटा को ना देख सके। इसके अलावा लैंस को मेंटेन करने के लिए, उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, एक ऐसा इंसान की ज़रूरत होती है जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज रखता हो, बहुत ज़्यादा हुनरमंदी रखता हो, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान लैन को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि हमें स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए होती हैं ताकि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को स्टॉप कर सकें, और इसके लिए हमें एक स्पेशल एक्सपर्टाइज पर्सन चाहिए होता है ताकि वो इसको ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है वो मोस्टली एक शहर से या एक मेट्रोपॉलिटन रीजन तक एक्सटेंड होता है, ये एक बिल्डिंग में एक्सटेंड नहीं होता है, ये उससे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, मोस्टली सिटी और मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो ऐसे नेटवर्क को जो कि एक सिटी या एक किसी स्पेसिफिक रीजन तक एक्सटेंड होता है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और मैन क्या करता है, वो दो या दो से ज़्यादा लैंस को कनेक्ट करता है पूरी सिटी के नेटवर्क्स में। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा लैंस को कनेक्ट करके नेटवर्क को पूरी सिटी में या उससे ज़्यादा एरिया में एक्सटेंड करता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है मैन की, जैसे कि आपकी जो केबल आ रही होती है वो पूरे शहर में या एक स्पेसिफिक रीजन में फैली होती है। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन की तरफ। इसका एडवांटेज यही है कि ये लैन से ज़्यादा बड़ा होता है, लैन से ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है,
और इसका जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो हाई होती है, कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो मैन के थ्रू ज़्यादा जल्दी हो जाता है बजाय इसके के लैन के। डिसएडवांटेजेस में आता है कि मैन ऑब्वियसली अगर ये लैन से बड़ा है तो ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा और उसको मेनटेन करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये था मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक लार्ज नेटवर्क है जो कि एक वाइड एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक पूरी स्टेट हो गई या प्रोविंस या कंट्री या फिर पूरी दुनिया। सो ऐसा नेटवर्क जो कि एक स्पेसिफिक स्टेट में, किसी पूरी कंट्री में या कि जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मोस्टली डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करके बड़ा नेटवर्क बनाता है, तो इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। जैसे कि इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल होती है इंटरनेट, जो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है और वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम कहीं भी बैठे हुए किसी भी जगह पर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक वाइड एरिया नेटवर्क है और उसके थ्रू हम इस दुनिया में कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी मेल शेयर कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। सो वाइड एरिया नेटवर्क एक वाइड एरिया को कवर करता है और मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने वैन्स को प्राइवेटली खुद डेवलप करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी और का नेटवर्क नहीं लेती हैं, वो खुद अपना ज़ाती नेटवर्क जो है वो डेवलप करती हैं वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि एक पूरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज़्यादा यूज़ करना होता है तो वो प्राइवेटली ख़ुद उसको डेवलप करती हैं। सो ये हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हैं फिगर में कि डिफरेंट सर्वर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं सैटेलाइट से। सो ये वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ वैन में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिफरेंट लोकेशन से बैठे हुए डिफरेंट यूजर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल सर्वर के थ्रू। दूर डिफरेंट लोकेशन जो कि दूर हैं, जो ऑफिसेज दूर हैं, जो ब्रांचेस दूर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको मॉनिटर करने के लिए भी यूज होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस नेटवर्क को सेटअप करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये एक एक्सपेंसिव टास्क है। जैसे कि ये डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क को कनेक्ट है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, सो ऑब्वियसली इसको सेटअप करना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा और इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी। मैनेजमेंट इसकी मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। ट्रबल शूटिंग कहते हैं कि अगर कोई एरर आ जाए तो उसको आपने रिजॉल्व कैसे करना है, किसी भी एरर को आपने ख़त्म कैसे करना है। तो वैन में जो ट्रबल शूटिंग होती है, जो मेंटेनेंस होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो ये हमारे पास तीन नेटवर्क्स थे, तीन नेटवर्क की टाइप्स थी, लैन, मैन एंड वैन। लैन जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलर नेटवर्क है, जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलर रीजन को कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन जो होता है वो लैन और वैन के इन बिटवीन होता है, जो कि एक सिटी या किसी भी मेट्रोपॉलिटन रीजन को कवर करता है। और वैन क्या करता है, वो किसी भी स्टेट, किसी भी प्रोविंस या पूरी दुनिया को कवर कर रहा होता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। सो आपने लैन और वैन के दोनों पैराग्राफ्स को लिख लेना है इस डिफरेंस में। पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसका मैं आप लोगों का निशान लगवा देती हूँ अभी। सो जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसमें आपने यहाँ से लेकर सबसे पहले यहाँ तक लिखना है, ये फिगर शोज अ लैन, इसको काट देना है और आपने फिगर नहीं बनानी है। लोकल एरिया नेटवर्क का ये पूरा पैराग्राफ आपने इसमें लिखना है। उसके बाद आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखने, आपने उसके बाद इस टॉपिक पे आ जाना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज़ गुड एग्जांपल ऑफ मैन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन आपने नहीं लिखनी और ना ही आपने ये फिगर बनानी है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कि आपने नहीं लिखने, आपने ये याद नहीं करने। उसके बाद आपने वाइड एरिया नेटवर्क लिखना है, वाइड एरिया नेटवर्क से लेकर उसकी लास्ट लाइन में एन एग्जांपल ऑफ वैन इज इंटरनेट जहाँ तक लिखना है, और ये फिगर शोज अ वैन ये लाइन नहीं लिखनी, ना ही आपने इसकी फिगर बनानी है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को और
शॉर्ट क्वेश्चन को कॉपीज में तब नोट करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और अच्छे से बहुत अच्छे से याद करना है। आपके पास घर में काफ़ी टाइम है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ भी आया होगा। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक लर्न करेंगे, उसको समझेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।